तो गाय देख सकते हैं मेल्ट हो चुका है और इस वक्त शोभा को फ्राई कर रही है चिकन को, कढ़ाई में डाल चुकी है। बहुत ही स्पाइसी, कलर भी बहुत अच्छा है ये, चटपटा महक आ रहा है। हाँ बीमा भी पक। तो गाय देख सकते इस वक्त कबाब रेडी है, चिकन भी इधर बना है, काफी तेज भूख लग गया हम लोग को। तभी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल सुबह ब्लॉग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था। जो मेरा पिछले वीडियो सब देखे उनको पता होगा, तो मुझे डेंगू हो गया था। रिकवरी के लिए इतना दिन मुझे लग गया और फिर मैं गाँव चली गई और बहुत टाइम लग गया। तो फिर फाइनली फिर बहुत दिनों के बाद अब से कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू मैं अपना ब्लॉग डेली, मतलब स्टार्ट डेली लाइफ स्टाइल का ब्लॉग अपलोड करूं। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो आज संडे है और आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो सोचे कि आज चिकन बनाए। तो मेरे हस्बैंड सुबह ही चिकन लाए और मैं अभी किचन में हूँ। सबसे पहले तो मैं इधर अभी राइस बैठाई हूँ और इधर मेरे हस्बैंड चिकन लाए हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि चिकन तो बनाऊंगी और उसके अलावा मैं सोच रही थी कि कुछ पाप चिकन का कबाब फ्राई करूंगी। तो मैं उसका ही रेसिपी आज डालूंगी, आप लोग देखिए मेरा वीडियो। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। और फिलहाल मैं नहा वहा के अभी आ गई हूँ, ऋषभ को भी नहा दी, घर का जो भी काम था वो भी हो गया और ऋषभ अभी फ़ोन चला रहा। तो चलिए मैं अभी जल्दी से खाना बना लेती हूँ और आप लोग भी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे घर पे कबाब बनाती हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट था ना आपके पास? जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं है, उसको देना होगा ना कबाब वाला में। जरूरत नहीं है ऐसे, तुम खाना नहीं ना आपको तो थोड़ा सा देते हैं ना। ये नहीं है, लहसुन नहीं है, लहसुन के पन्नी में खा ढेर सारा। कहाँ ढेर सारा, उतना दिन सोच उसी में ना बना रहे थे। इतना प्याज काफी है ना? फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ हम सारा सामान ले लिए कबाब बनाने के लिए। अब हम जल्दी से रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग लिए हुए हैं और इसको हम अभी इस पर बॉल पर हम ट्रांसफर कर लिए और इस पर हम मसाला ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें लेमन का जूस हल्का डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते नहीं तो, क्योंकि कुछ ही पीसेस का कबाब फ्राई करते हैं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये है कबाब मसाला। मैं अपने फ्रेंड का शादी में गई थी तभी वहाँ से लाई हूँ, यहाँ भी मिलता है लेकिन वहाँ वाला बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ से गई थी तो 3-4 पैकेट लेके ही आई थी साथ से। तो इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, इतना बहुत है ना देखिए ना। तो ये देखिए, हाँ साउथ से मैंगलोर से। तो 2 स्पून भर हम लोग कबाब मसाला डाले। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे नमक, अब हम लोग जितना चिकन लेंगे उसके हिसाब से इसमें नमक डालेंगे। हाथ से फटेगी, स्पून से पूरा अच्छे से मसाले को इसमें
ये कर लिए, मिक्स कर लिए। और अब इसमें हम लोग कुछ कुछ पीसेस जो हम लोग मतलब कि मसाले में ग्रेवी में खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो बस वही पीसेस हम लोग फ्राई करते हैं। और ये देखिए पूरा इस तरीके से बना हम लोग का। अब हम लोग कुछ कुछ पीसेस जिसको हमको फ्राई करना है इस पर ऐड कर देंगे और कुछ देर के लिए रख देंगे, उसके बाद में फ्राई करेंगे 15 या 10 मिनट्स बाद फ्राई करेंगे। इस पे पहले चिकन डाल देते हैं, कुछ कुछ उसको बंद कर दीजिए ना कैमरा, बंद कीजिए ना इतना। तो देख सकते हैं गाइस इस वक्त, और ये चिकन मेल्ट हो रहा है। 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा इसको, 10-15 मिनट रख देंगे, रखना पड़ेगा अच्छे से कोटिंग होने के बाद। देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा कलर, ये साउथ इंडियन मसाला है, साउथ इधर नहीं मिलता है, तो हम लोग बेंगलोर से लेके आते हैं ना जी। तो गाइस देख सकते इस वक्त कबाब रेडी है, चिकन भी इधर बना है, काफी तेज भूख लगी हम लोग को, तभी हम लोग खा रहे हैं, खाने के लिए तैयार है। अब बेटा मेरा ऋषभ कब से बोल रहा पापा मुझे खानी है, भूख लगा है। देख सकते हैं आप लोग चावल परोसा जा रहा है, ये कबाब है, ये चिकन ग्रेवी,